हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्यानी हरपाल अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर्स हाई जंप में आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में मैं आपको गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, सिलेबस और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूं। आप यदि गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं अपनी इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक IAS, गेट, PSUs, JEE, SSC JEE, रेलवे के जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी को यहाँ पे मैं उसके टॉपिक्स को मैं कवर करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको गेट के सिलेबस और कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स में आपका डील करूँगी मैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ओके, गेट स्टार्ट। मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन, सिलेबस, जॉब अपॉर्चुनिटी एंड पे स्किल। इंट्रोडक्शन अबाउट गेट। गेट स्टैंड फॉर द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। आपको पता है कि जो गेट है उसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, और ये एक तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि हर साल कंडक्ट किया जाता है। इसका जो पर्पस है वो एडमिशन पर्पस के लिए भी होता है और साथ ही साथ इसके थ्रू काफ़ी हाई पोस्टेड जॉब भी लगती है। आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहें, इवन आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टरेट करना चाहें, उसके लिए आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं। ये हर साल फेब्रुअरी के मंथ में होता है और ये एक सिंपल कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। 3 आवर ड्यूरेशन होता है इसका, और मेनली इसका जो टेस्ट है वो इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो नॉलेज एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को होना चाहिए अपने इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड, और या फिर PG स्टूडेंट को होना चाहिए अपने फील्ड से रिलेटेड, वो है या नहीं है। इसमें इसका जो परफॉर्मेंस होता है कैंडिडेट का, उससे चेक करके अपने ब्रांच वाइज उसे चेक करके आगे के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है उनके परसेंटेज और रैंक के हिसाब से। द कैंडिडेट्स हुज पास द गेट एग्जामिनेशन सक्सेसफुली हैज गॉट अ गेट स्कोर कार्ड, या फिर उनकी एक रैंक आती है, और उनका जो वैलिड स्कोर कार्ड होता है मैक्सिमम 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। एंड साथ ही साथ जब भी हम मास्टर्स के लिए एडमिशन लेते हैं तो ये स्कोर कार्ड मैंडेटरी होता है, या फिर हम एक डॉक्टरेट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आप हाई रैंक लेंगे, हाई परसेंटेज सॉरी मार्किंग लेंगे गेट में, मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, उस हिसाब से आपके जो IITs, NITs, जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी वहाँ पे रैंकिंग होगी। ओके, इवन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एडमिशन पर्पस के लिए गेट नहीं होता है, जो गेट स्कोर होता है वो वैलिड होता है एक अच्छी जॉब के लिए, एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज के लिए इन मैनी पब्लिक सेक्टर्स, जो भी आपका PSUs होती है उसमें आपको गेट स्कोर काफ़ी हेल्पफुल होता है जॉब प्रोवाइड करने के लिए, लाइक भेल, BARC, IOCL, NTPC, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, 9 रत्न कंपनियाँ, वहाँ पे आपको हायर पोस्ट में यहाँ पे आपके गेट के स्कोर के थ्रू आप वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जो सिलेबस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो चैनल है वो सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को कवर करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स लिए हैं, सिलेबस लिए हैं। आप यदि सिविल के अलावा दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप गेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जा कर के अपने ब्रांच के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रिफ़र कर सकते हैं। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि कॉमन टू ऑल ब्रांचेस होता है, बट जो सेक्शन 2, सेक्शन 3 स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड जो अदर सब्जेक्ट हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं
और अभी जो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस डालूंगी उसमें मैं ये सभी टॉपिक को कवर करूंगी। और अभी मैंने सिर्फ इसका मेन सब्जेक्ट का नेम डाला है। जब मैं इस टॉपिक में डील करूंगी तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके वेटेज भी आपको बताऊंगी। इन शॉर्ट मैं आपको जो ओवरऑल वेटेज होता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो मार्क्स जो हम ऑब्टेन करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स हमको हर एक सब्जेक्ट्स में कितने मिल सकते हैं टॉपिक्स में मिनिमम, वो हम यहाँ पे देखते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 8 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी 7, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 10, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 एंड देन सो ऑन। आप देख सकते हैं कि जो सॉइल मैकेनिक्स होता है जिसको जियोटेक भी कहा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हम आगे जब सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप ये आप देख सकते हैं कि उसके जो सब टॉपिक है वो भी कितने कितने मार्क्स कवर करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन देते वक्त कि जो गेट होता है वो सिर्फ एडमिशन, हायर एजुकेशन के एडमिशन के लिए हेल्पफुल नहीं होता, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें आप काफ़ी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, नवरत्न कंपनीज़ है, वहाँ पे जैसे कि जो इंडियन ऑयल हो गया, बिकॉन लिमिटेड हो गया, जो आपका पावर ग्रिड इंडिया हो गया, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, HECL हो गया, तो ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे आपको एक अच्छे इंजीनियर और अच्छे सैलरी पैकेज में आपको अपॉइंट किया जाता है। तो आप जान सकते हैं कि जो गेट है वो काफ़ी बेनिफिशियल है एक स्टूडेंट के लिए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यदि वो आगे पढ़ना चाहे और साथ ही साथ एक अच्छी जॉब चाहता है, तो आप गेट का प्रिपरेशन करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि हम यदि हायर पोस्ट में जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमारा पे स्केल मिनिमम कितना हो सकता है। तो द पे स्केल पैकेज इन दिस जॉब आर नो लेस देन द पैकेज ऑफर्ड बाय द टॉप प्राइवेट फर्म्स। यू कैन अर्न एन एवरेज 8 लाख पर एनम्स। तो आप 8 लाख एक साल में आप इसके थ्रू, गेट के थ्रू आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको एटलीस्ट इतना पैकेज तो भी मिलेगा। इवन अदर जो भी जॉब सिक्योरिटी है पब्लिक सेक्टर की वो अलग, गवर्नमेंट जॉब सभी चाहते हैं, तो सम कुछ जो भी PSUs हैं वो गेट के थ्रू काफ़ी बच्चों को जॉब में ज्वाइन करवाती हैं और उनका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर रहता है। तो आप अपने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करें और इतनी बड़ी जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक प्रेस करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।